शनिवार को अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें अधिकारियों की ओर से कहा गया कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा गाजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला करने और सीमा का उल्लंघन करने के बाद इसराइल को जानकारी मिली थी कि हिजबुल्ला पहले से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। तो वही दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सैन्य विमान भी हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन 11 अक्टूबर को बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन किया जिसके बाद इजरायल ने अपनी योजना बदल ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन ने नेतन्याहू को लेबनान पर हमला करने के परिणामों के बारे में सोच विचार करने के लिए कहा क्योंकि इससे व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का खतरा हो सकता था। तो वहीं इजरायली सरकार का मानना था कि पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होना निश्चित रूप से तय है, इसलिए वो पहले हमला करना चाहता है। लेकिन उसी समय युद्ध की स्थिति को देखते हुए इजरायल को ये लगा कि वो अकेला इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता है, इसलिए उसने अमेरिका से समर्थन देने का अनुरोध किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आह्वान करने के बाद एक लंबी आंतरिक चर्चा हुई जिसके बाद इसराइल की सरकार ने हिजबुल्ला पर हमला करने के विचार को त्याग दिया। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अक्टूबर में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेबनानी शिया आंदोलन हिजबुल्ला के खिलाफ हमला नहीं करने के लिए तैयार कर लिया था। ये जानकारी रविवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। बता दें इसराइल हमास की जंग का आज 80वां दिन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक दोनों पक्ष की ओर से 21,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल और हमास की जंग की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये जंग कब खत्म होगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।